तो गाइस अभी जिस व्हाट्सएप स्टेटस को आप अपनी मोबाइल के स्क्रीन पे देख रहे हो, आपको दोस्तों अगर कुछ इस तरह का स्टेटस बनाना सीखना है तो गाइस आपको दो फोटो का जरूरत पड़ेगा और उन दोनों फोटो का दोस्तों आपको पीएनजी निकाल लेना है। अगर दोस्तों आपको फोटो का पीएनजी निकालना नहीं आता है तो मैंने आई बटन पे दोस्तों उस वाले वीडियो का लिंक दे के रखा है, जिस वीडियो को देख के दोस्तों आप अपनी फोटो का पीएनजी निकाल सकते हो। अब दोस्तों आपको इस वाले प्लस के मार्क में क्लिक करना होगा और यहाँ पर गाइस आपको 9:16 एस्पेक्ट रेशियो में सिलेक्शन करके आपका जो काइन मास्टर एप्लीकेशन है आपको यहाँ पर ओपन कर लेनी है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर पहले ही एक बात क्लियर कर दूं कि इस स्टेटस एडिटिंग में जितने सारे वीडियो फोटो पीएनजी का जरूरत पड़ेगा उन सारे चीजों का दोस्तों लिंक मैंने इस वाले वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। आप दोस्तों एक एक करके हर चीज को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके दोस्तों सबसे पहले आपको जो बैकग्राउंड वीडियो है उसको अपन सिलेक्शन करनी होगी। उसके लिए गाइस आपको जो राइट साइड में एक मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख पा रहे हो, आपको इस वाले मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा और यहाँ से गाइस आपको बैकग्राउंड वीडियो का जो फाइल है उसको अपन सिलेक्शन कर लेनी है। तो गाइस जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो बैकग्राउंड वीडियो का फाइल है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब दोस्तों आपको अपने वीडियो में कुछ इस प्रकार से फर्स्ट तरफ आपको आना होगा। आने के बाद जो आपको राइट साइड में एक लेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख पा रहे हो, आपको दोस्तों इस वाले लेयर में क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे कुछ इस तरह के पांच ऑप्शन आपके सामने आएंगे। यहाँ पर दोस्तों जो फर्स्ट ऑप्शन है आपको मीडिया का, आपको इसी वाले मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा और यहाँ से गाइस जो आपने फर्स्ट फोटो का दोस्तों पीएनजी निकाले हो उस वाली फर्स्ट फोटो को दोस्तों आपको यहाँ पर सिलेक्शन करनी होगी। तो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हो मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर नीरज भाई के एक फोटो को सिलेक्शन कर लिया हूँ। अब दोस्तों मैं यहाँ पर अपने फोटो को कुछ इस प्रकार से कॉर्पिंग में क्लिक करूंगा, आप भी दोस्तों कुछ इस प्रकार से कॉर्पिंग में आप क्लिक कीजिएगा और कुछ इस तरह से गाइस इतना दूर तक रखिएगा और मास्क को आपको ऑन करके गाइस कुछ इस प्रकार से इसको आपको बढ़ा देनी है। जैसे दोस्तों आप इसको बढ़ा दीजिएगा कुछ इस प्रकार से आपका जो फोटो है साइड में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे शैडो टाइप का दिखेगा। अब दोस्तों आपको अपने फोटो को कुछ इस प्रकार से अपना जो वॉल है उसके ऊपर कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर एडजस्ट करनी है। देख पा जिस तरह से मैं आपको यहाँ पर दिखाया हूँ सेम टू सेम कुछ इस तरह से आप एडजस्ट कर दीजिएगा और इसका ड्यूरेशन को दोस्तों आपको वीडियो के एंड तक कुछ इस प्रकार से कर देनी है। अब दोस्तों आपको जो राइट साइड में एक आपको यहाँ पर ओपेसिटी का ऑप्शन दिखेगा, आपको दोस्तों इसमें क्लिक करना है और कुछ इस प्रकार से हल्का सा इसको फ्रेंड्स आप इसका ओपेसिटी को आप यहाँ पर घटा लीजिएगा। घटा लेने के बाद दोस्तों आपको अपने वीडियो में कुछ इस तरह से स्लाइड करके आपको 4 सेकंड के लिए आपको आना होगा कुछ इस तरह से। आने के बाद दोस्तों आपका जो वीडियो है उसको फ्रेंड्स आप कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर डिवाइड कर देनी होगी। डिवाइड कर देने के बाद दोस्तों आपको जो आगे का फोटो का पीएनजी इसमें आपको क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको इन एनिमेशन में क्लिक करके कुछ इस तरह से गाइस आप यहाँ पे पॉप के ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिएगा और कुछ इस तरह से दोस्तों आपको यहाँ पे 1.5 सेकंड के लिए आपको रखनी होगी कुछ इस प्रकार से। और गाइस जो आप टुकड़ा दोस्तों आप पीएनजी किए उसको आप क्लिक कीजिएगा अभी और क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपको ओवरले एनिमेशन में क्लिक करके इसमें फ्रेंड्स आपको फ्लिकर का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, आपको इसमें क्लिक कर देना होगा। जैसे दोस्तों आप इसमें क्लिक करेंगे जो आपका फोटो है कुछ इस प्रकार से गाइस इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों फिर से आपको अपने वीडियो में फर्स्ट तरफ आपको आना होगा। आने के बाद दोस्तों आपको इसी वाले लेयर में क्लिक करना है और मीडिया पे सिलेक्शन करके दोस्तों आप जो अपने सेकंड फोटो का पीएनजी निकाले हो यानी खड़े होकर जो दोस्तों आप फोटो का पीएनजी निकाले हो उस वाली फोटो को दोस्तों आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना होगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे जो खड़ा होकर मेरा जो फोटो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब दोस्तों कुछ इस प्रकार से इसको आपको बड़ा करना होगा और जिस तरह से गाइस मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ सेम टू सेम कुछ इस तरह से आप इस जगह पे अपने हिसाब से गाइस इसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। एडजस्ट कर लेने के बाद दोस्तों इसका ड्यूरेशन को आपको वीडियो के एंड तक कुछ इस प्रकार से कर देनी है। अब दोस्तों इसमें भी आपको इन एनिमेशन में क्लिक करना होगा और यहाँ पर गाइस स्लाइड टू लेफ्ट दिख रहा होगा, आपको इसमें क्लिक करना है और कुछ इस तरह से गाइस इसमें फ्रेंड्स आपको 1.5 सेकंड के लिए आपको रख देना होगा। जिस तरह से गाइस आपको जो फर्स्ट फोटो के पीएनजी में आप 1.5 सेकंड रखे हो इसमें भी गाइस आपको 1.5 सेकंड के लिए रख लेनी है। रख लेने के बाद दोस्तों अब दोस्तों आपको इसी वाले लेयर में आपको क्लिक करना है और गाइस मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करके अभी दोस्तों आपका जो फोटो का शेडो है उसको फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सिलेक्शन करनी होगी। तो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे जो शेडो का पीएनजी है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब गाइस आपको इस वाले एरो में पकड़ के कुछ इस प्रकार से बड़ा कीजिएगा और नीचे में आप यहाँ पे कुछ इस तरह से आप इस जगह पे इसको एडजस्ट कर दीजिएगा और इसका ड्यूरेशन का दोस्तों आपको वीडियो के एंड तक कुछ इस प्रकार से कर देना है। अब दोस्तों आपको अपने वीडियो में कुछ इस तरह से गाइस आपको इस जगह पे आपको आना होगा जहाँ पर गाइस आपका जो फोटो है वो आप डिवाइड हुआ है इस जगह पे आप चले आइएगा। आने के बाद दोस्तों आपको इसी वाले लेयर में क्लिक करना होगा मीडिया पे सिलेक्शन करके दोस्तों अभी गाइस आप जो स्मोक वाला जो इफेक्ट है गाइस उसको फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सिलेक्शन करनी होगी। तो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो स्मोक इफेक्ट वाला जो वीडियो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है
अब दोस्तों आपको इस वाले बॉक्स में क्लिक करके फर्स्ट वाले ऑप्शन पर सिलेक्शन कर देना होगा। जैसे ही दोस्तों आप इस वाले ऑप्शन पर आप सिलेक्शन करेंगे, जो आपका वीडियो है कुछ इस प्रकार से फुल स्क्रीन में हो जाएगा। अब दोस्तों आपको जो ब्लैक स्क्रीन है इसको फ्रेंड्स पहले रिमूव करना होगा। उसके लिए दोस्तों आपको जो राइट साइड के लास्ट में एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस वाले ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पे स्क्रीन पर आपको सिलेक्शन कर देना होगा। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे स्क्रीन पर आप सिलेक्शन करेंगे, जो आपका वीडियो है कुछ इस प्रकार से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको अपने वीडियो में कुछ इस प्रकार से फर्स्ट तरफ आपको आना होगा। आने के बाद दोस्तों आपको इसी वाले लेयर में क्लिक करना है और मीडिया का ऑप्शन पे क्लिक करके दोस्तों अभी गाइस आपको खलनायक का जो टेक्स्ट का पीएनजी है उसको फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सिलेक्शन करनी होगी। तो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो खलनायक का टेक्स्ट का पीएनजी उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब दोस्तों कुछ इस प्रकार से गाइस आप नीचे में यहाँ पे इस जगह पे इसको आप लाइएगा और हल्का सा कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे बड़ा कर लीजिएगा। इतना बड़ा कर लेने के बाद दोस्तों इसका ड्यूरेशन को आपको वीडियो के एंड तक कुछ इस प्रकार से कर देनी है। अब फिर से आपको अपने वीडियो में फर्स्ट तरफ आपको आना होगा। आने के बाद दोस्तों आपको इसी वाले लेयर में आपको क्लिक करना होगा मीडिया पे सिलेक्शन करके। अभी गाइस आपको कलरफुल इफेक्ट वाला जो वीडियो है उसको फ्रेंड सिलेक्शन करनी होगी और इस वाले बॉक्स में क्लिक करके फर्स्ट वाले ऑप्शन पे सिलेक्शन करके आप फुल स्क्रीन में आप कर दीजिएगा। और जिस तरह से गाइस आपने पहले वाला का जो ब्लैक स्क्रीन है उसको रिमूव किया है, इसमें भी दोस्तों आपको ब्लेंडिंग में क्लिक करके स्क्रीन में सिलेक्शन करके इसको फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन को रिमूव कर लेना होगा। और इस वीडियो का जो ऑडियो है फ्रेंड्स आप कुछ इस प्रकार से आप इसको म्यूट कर लीजिएगा। म्यूट कर देने के बाद दोस्तों लास्ट बार आपको लेयर में क्लिक करना है मीडिया पे सिलेक्शन करके। दोस्तों अभी गाइस आपको जो फ्रेम का फोटो का पीएनजी है उसको फ्रेंड्स सिलेक्शन करनी होगी और इस वाले बॉक्स में क्लिक करके फर्स्ट वाले ऑप्शन पर सिलेक्शन करके फुल स्क्रीन में कर दीजिएगा। और इसका ड्यूरेशन को दोस्तों आपको वीडियो के एंड तक कर देना है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर पहले एक बार ऑडियो को म्यूट करता हूँ, उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे वीडियो को प्ले करके दिखाऊंगा। तो गाइस इस तरह से आप बहुत ही आसान और इजी स्टेप को फॉलो करके आप कुछ इस तरह का वीडियो आप बना सकते हो। अब दोस्तों आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको गाइस ऊपर में जो शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा देख पा रहे हो, आपको इस वाले शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको बस अपना फाइल को एक्सपोर्ट कर लेनी है।